नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है एवन एडवांस क्लासेस। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन्स। दोस्तों विटामिन्स मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम जानेंगे विटामिन्स किसे कहते हैं, विटामिन्स होते कितने हैं और विटामिन्स के प्रकार। दोस्तों सबसे पहले विटामिन्स ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बीटा, जिसका अर्थ है अत्यधिक। दूसरा है एमीन, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। ये दोस्तों इसकी दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोनों ही काफी शॉर्टली हैं और याद करने में भी काफी आसान होंगे। जैसे विटामिन की सूक्ष्म मात्रा जंतु शरीर के दैनिक उपापचय के लिए आवश्यक होती है। दूसरा डेफिनेशन है विटामिन की अल्प मात्रा जैविक क्रियाओं के उपापचय के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों जिस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन्स की महत्व होती है, उसी प्रकार विटामिन्स की भी हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। इसकी अल्प मात्रा हमारे दैनिक उपापचय के लिए आवश्यक होती है। देखते हैं इसकी खोज कब हुई। दोस्तों इसकी खोज लूनी नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में कर दिया था, लेकिन इसका नामकरण किया था कैंजिबल फंक ने 1911 ईस्वी में। दोस्तों ये टोटल 20 होते हैं जो विटामिन होते हैं, टोटल होती हैं 20, लेकिन हमारे लिए 13 ही बस उपयोगी होते हैं और बाकी के 7 अनुपयोगी होते हैं। ठीक है, अब ये 13 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ए बी सी डी ई और के, ये हो गया, जिसमें बी क्या है कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, then B12। क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके टाइप्स कितने हैं, अर्थात प्रकार कितने हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। क्लियर हुआ। अब देखते हैं वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन्स को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से विटामिन्स वसा में घुलनशील है और कौन से विटामिन्स जल में घुलनशील है। दोस्तों आइए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। अब हम दो पात्र ले लेते हैं, अर्थात बर्तन ले लेते हैं। क्लियर। अब एक में हम वसा भर लेते हैं, दूसरे में जल, हो गया। अब दो कीड़ा लेते हैं, एक वसा वाले में डालते हैं और दूसरा जल वाले में। तो वसा वाला कीड़ा क्या होगा, जल्दी मर जाएगा, है ना, लेकिन जल वाला थोड़े टाइम बाद। तो दोस्तों कीड़ा से हमें याद होना चाहिए, कीड़ा की जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं या कौन है, कीड़ा है। अब कीड़ा अर्थात देखते हैं
के ई डी और ए हो गया। अब बचा कौन हमारा, बी और सी। अब बी और सी बच गया तो ये क्या होंगे, जर्मन ग्लेंसिल होंगे। क्लियर हुआ। अब ये जो जर्मन ग्लेंसिल विटामिन हैं, इनको हमें अपने दैनिक भोजन में शामिल करना पड़ता है। क्यों, उसका एक रीजन है, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे, अगर ये जल में घुलनशील है तो जल अगर हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है श्योर है कि यह भी तो निकलेगा, है ना। तो ये भी अगर निकल रहा है जैसे हमारे पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से हमेशा उत्सर्जित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है, इसी कारण हमें इसको अपने दैनिक भोजन में शामिल करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच।